welcome to Mimi Family. This is Gintash welcoming you all from Canada. Lots of love to Mimi. Happy to be a part of Mimi Family. Love you. Christmas tree. Been wondering just what you mean to me. Oh. Still drive me crazy. Tradition we celebrate. गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके? अब बहुत ज्यादा सुबह हुई है और हम लोग बाहर जा रहे हैं कहीं पे तड़के ही. बहुत ज्यादा सुबह या ये व्लॉग मस्ट चल इंडिया, सवेर तो वीडियो बनानी चाहिए. दोस्तों सुबह नहीं हुई है, सुबह हमने व्लॉग करने की कोशिश की पर कामयाबी नहीं मिली. और आज का जो व्लॉग है वो भी अभी लाइव गया है और अब समय हुआ है 4:30. और यस, आज हमारे यहाँ पे ग्लूमी दिन है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है. सो यस, अब हम लोग जा रहे हैं. हमारा प्लान था कॉस्को जाने का क्योंकि हमें कोई अपनी प्रिस्क्रिप्शन पिक करनी थी, पर डॉक्टर ने अभी तक वो सेंड ही नहीं की है, तो फिर फ़ायदा नहीं है कॉस्को जाने का. वैसे हमने सोचा था प्रिस्क्रिप्शन पिक कर लेंगे और ग्रॉसरी भी कर लेंगे, पर अब बिकॉज प्रिस्क्रिप्शन उनको मिली नहीं है तो फिर हमने सोचा ग्रॉसरी भी स्किप कर देते हैं, लेटर कर लेंगे जब भी दवाई लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, की फायदा दो दो बार जाने का. ओके दोस्तों, तो हस्बैंड ने कहा कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं अपने मुंह पे लगाने वाली हूँ जेब. आप पट्टी बोलेंगे, बोलो हम तो ही कहना वे जे नहीं दस सुना रहे हम तो ही चुप रहना वे. ओके दोस्तों, तो फिर हम जा रहे हैं ऐवे ही टाइम पास करने के लिए और उसके बाद डिनर खाएंगे, बस कोई हमारे पास खास प्लान नहीं है. दैट्स इट, दैट्स द अपडेट अबाउट अस. यू होन बोलो कुछ वो बस कॉमेडी करो. मेरे मोड़े हजे भी दुख रहे हैं. ओ यार दोस्तों, हस्बैंड के शोल्डर पिछले व्लॉग में बेटर हो गए थे, अंगम करके दिखा रहे थे ना आपको, और फिर हो गया. नहीं, मुझे एक्चुअली ये कुछ दिन पहले योगा कर रहे थे और शायद बैड पोस्चर की वजह से हो गया. ओ नहीं, डंबल जो नए डंबल नहीं लिए यार, बैड वर्कआउट कर रहे थे, बैड पोस्चर की वजह से हो गया. गलत पोस्चर ना इन्होंने करता, कुछ हो जाता बुजुर्ग बंदे नु हो जाता, जो जवानी टल जाती ना प्यारी वो ढिला ढिला रही. मैं भी, मैनू भी लगता मैं बहुत फ्लैक्सीबल, बड़ा मजेदार है, हुन तो नहीं लगता, हुन बैम टूट गया. अच्छा, पर उस दिन मैं बहुत ज्यादा देर. एक बार ना मैं जो हिम्मत पार्क से गया, मैंने लगा मैं छाल मार के दरख्त उत्ते चढ़ जाना. हमारे यहाँ पे इतनी शाम लग रही है, ऐसे लग रहा है कि 9-10 बज गए, क्योंकि यूजली ऐसे नहीं होता, पर आज ग्लूमी दिन ही रहा. आज तो अपनी ना निकली निकली थी नहीं निकली नहीं तो अपनी आज. सो यहाँ ब्रेकफास्ट में हमने बैंगन एंड परौंठी खाई थी, जो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी. हस्बैंड को बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं, पर बैंगन हमारे इतने ज्यादा फ्रेश नहीं थे, पर ठीक है, हो गया साडा काम, चला डंग सर गया, डंग सर गया कहते हैं ना, हमेशा ला लेंगे नहीं इतना चलता है ना. नहीं नहीं, क्रिसमस थी बढ़िया ला ला. ओके दोस्तों, अगले पल मिलते हैं, पता नहीं कब, जब तक आप पट्टी की बात सुन लें. Summer, spring, or fall. Oh, oh. No matter night or day, at school or home, or even when I'm sleeping, I'll be dreaming about you. I miss the sunny smile you've placed on my face. Sometimes I think meeting you was a mistake, 'cause I can't do anything without you. Ooh.
लोग पहुंच चुके हैं हमारा डिनर पिक करने के लिए. हम दो डिफरेंट प्लेसेस से पिक कर रहे हैं, एक तो दिस वन बामियां कबाब एंड देन हम अदर प्लेस से पिक करेंगे, देन हम घर जा रहे हैं. बहुत समय से क्रेविंग हो रही थी हमारा कबाब खाने की, पर हम खा नहीं रहे थे, पर आज हम खाएंगे. दैट्स द अपडेट. और हम लोग कॉस्को भी नहीं गए और ग्रोसरी शॉपिंग भी नहीं की क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड थी, क्योंकि लोग क्रिसमस की शॉपिंग कर रहे हैं ना. तो इन्होंने भी बिरयानी की फोटो बनाई थी. तो दोस्तों पति जा रहे हैं जंग लड़ने के लिए. पति इज वेयरिंग मास्क, ही इज गोइंग फॉर सर्जरी, चिकन सर्जरी करने चल रहे हैं. ओके मिमी सो गया था, ऐसे सो जाता है जैसे बहुत लंबे सफर पे गए हैं. नन्हे से सफर पे भी सो जाता है ये लड़का. और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं. एनी लेट वीडियो बनाना शुरू करो तो सारा दिन तो ऐसे ही निकल गया. सो कुछ दिन ऐसे भी हैं जब पता नहीं है कि करें क्या अपनी जिंदगी में. सो यस दैट्स दैट. और ये जो बामियां कबाब है, इनके कबाब मील्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं. इनकी जो टमाटर वाली रेड सी चटनी है वो बहुत डिलीशियस है. सो यस, जो मजा यहाँ पे फ्रेश खाने का है गर्मा गर्म, वो घर जाके नहीं आता है. पर अब नहीं खा सकते हैं, घर में ही खाना पड़ेगा क्योंकि बंद है यहाँ पे सब कुछ. एंड भी नमाज के अंदर भी नहीं जा सकते हैं. सो या आई डोंट नो ये कोरोना चीज कब खत्म होगी. मैं सो आज डिनर के लिए मोस्ट प्रोबेबली हस्बैंड के कोई दोस्त आ रहे हैं. तो यस आई डोंट नो मैं घर जाके व्लॉग कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि कोई घर में आता है तो अजीब लगता है ना कि उनकी वीडियो बनाना शुरू. सो यस आई डोंट नो क्या किया जाएगा अब. एंड आपको मैं कहना चाहती थी, आई डोंट नो मैंने आपको कह दिया है या नहीं, अगर आप मेरी वीडियो में फीचर होना चाहते हैं तो प्लीज अपनी इंट्रो वीडियो मुझे मेरे सोशल मीडिया पे सेंड करें. सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आपको बस अपना नाम बताना है और आप कहाँ से हैं और वेलकम टू मिमी फैमिली. और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं अपनी प्यारी सी दो चार लाइंस तो शौक से करें और मुझे मेरे किसी भी सोशल मीडिया पे सेंड कर सकते हैं, ईमेल पे, जहाँ पे भी आपका मन करे. मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियो का हिस्सा बन पाए. बहुत मजेदार लगता है आपका चेहरा मेरी वीडियो के आगे देखना. सो प्लीज भेजा करें. हो सकता है कि हम इसको व्लॉग में इसके बाद भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि कितना मजेदार लगता है जब आप मेरी वीडियो शुरू करते हैं. तो यस दैट्स इट. हस्बैंड इज इनसाइड वेटिंग फॉर हिज मील. आई बी मिसिंग यू. और हिम्मत उठ चुका है खुशबू के साथ एंड हिम्मत का फेवरेट सॉन्ग लगा दिया. Instead you are my paintbrush, you're my curriculum. Why you took so long, daddy? Because trying to find the drink what you need. Kena? Kena apni drink lapan dahi jo nahi chahi thi. That's so true. Why you do everything? Because I got eyes everywhere in the earth. Everywhere. I have eyes. I pay to watch you stand up there. She's a work of art. You pick her up from school, but she blows you off. Don't you know you're all I want? Actually, मैं हमारे रूम्बा को गेस्ट रूम में छोड़ के आने वाली हूँ. वो क्लीन हो जाएगा तो उसे चार्जिंग पे लगा दूंगी. यहाँ जल्दी से ये काम करते हैं. सो बेसिकली मैंने सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी हैं कि ये अच्छी तरह क्लीन कर दे. और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी पता किस चीज़ की है, जो ये बेड के नीचे क्लीन करता है ना, वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार है. और बेड एकदम चमकदार कर देता है वो. फिनिश हो चुका है. हमने मील खा लिया था, उसके बाद हमने हमारे फ्रेंड्स के साथ गपशप की और हमने डिजर्ट में खाई है ब्राउनी. एंड अब हमारा सोने का समय है. एक्चुअली हम लोग लेट हो चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पर मुझे मेरी किचन को क्लीन करना है. 10:30 हो गया.
और यस आज ज़्यादा हम लोग कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाए सिर्फ मेरे पति की वजह से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खराब बंदे हैं। ओके दोस्तों सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे व्लॉग को पसंद किया होगा। किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपनी इंट्रोज भेजना बिल्कुल मत भूलें। आपकी इंट्रोज भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो मुझे बहुत प्यारी लगती। मेरे पति की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब भी आ गए दोस्तों, अभी नींद आ गया मुझे। ओके दोस्तों वी लव यू गाइस सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड अपने पति को कूनी के साथ मारते रहें। पतियों को सीधा करके रखें दोस्त। अगर आप पति को सीधा करके नहीं रखेंगे तो ये बिगड़ भी जाते हैं बहुत जल्दी। तो मैं जो पतियों को सलाह देती ना दो हाँ कोई तो मैं कट भी देनी है। एडिटर कौन आ बोल दो नहीं कटेंगे आई प्रॉमिस नहीं कटेंगे। वो है ही नहीं कोई सलाह दोस्तों, ये है ही इतने प्यारे। एंड तू तो दी सोटी करके रखो ताकि उसको पत्नियां यूज करके पति को फिर से सीधा करे। इन्हानू पता लग जाए है कुड़ियां जेडियां पूतरियां है की पता चल जाए कि किस भाव विकदी है मेरी किचन क्लीन हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ अपस्टेयर्स। अब मैं नहाऊंगी और आज भी मैंने सुबह नहाते समय मेरे बालों को धोया नहीं था और बालों का तेल कुछ हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। सो रात को जो मैं नहाने सोने से पहले नहाती हूँ आज सोच रही हूँ कि नहा लूँ। रात को बाल धोने से प्रॉब्लम यह है कि इमीडिएटली गीले बालों से मुझे सोना भी अजीब लगता है क्योंकि अगली सुबह बालों में उलझने बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और अगर मैं ड्राई यूज़ करूँगी रात को तो हस्बैंड डिस्टर्ब होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सो चुके होंगे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नींद आई है और जब वो बेड पर जाते हैं चुटकी बजा दी। Roof trip.